फिल इन द बॉक्सेस। स्टूडेंट्स हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार प्रॉपर समझ लेते हैं। 5 पैसे कॉइन्स हैव द वैल्यू ऑफ 25 अ पैसे कॉइन, यानी कितने 5 पैसे कॉइन मिलकर 25 पैसे कॉइन बना देंगे, उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएंगे। तो हम इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि 5 पैसे के कितने कॉइन होने चाहिए कि 25 पैसे के कॉइन बन जाए। इसके लिए 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 पैसे के 5 कॉइन 25 पैसे बना दें। इसी तरीके से 5 पैसे के कितने कॉइन की वैल्यू 50 पैसे होगी। अगेन वी विल डू सेम थिंग, 50 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 10 जा 50, तो यानी कि 5 पैसे के 10 कॉइन 50 पैसे कॉइन बना देंगे। इसके बाद है 5 पैसे कॉइन्स हैव द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, 5 पैसे के कितने कॉइन 1 रुपी बना देंगे। 1 रुपी में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर क्या आएगा, 20, यानी कि 5 पैसे के 20 कॉइन 1 रुपीज की वैल्यू 1 रुपी कॉइन की वैल्यू के बराबर रहेंगे। 10 पैसे कॉइन्स हैव द वैल्यू ऑफ 20 पैसे कॉइन, 10 पैसे के कितने कॉइन 20 पैसे के बराबर कॉस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया 20 में, 10 2 जा 20, तो आंसर क्या आ गया, 2, यानी 10 पैसे के 2 कॉइन्स 10 पैसे के 2 कॉइन मिलकर 20 पैसे की वैल्यू बनाएंगे। 10 पैसे कॉइन्स हैव द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन, 10 पैसे के कितने कॉइन 50 पैसे के बराबर वैल्यू जनरेट करेंगे। हमने 10 से 50 को डिवाइड किया, आंसर आया 5, यानी कि 10 पैसे के 5 कॉइन मिलकर 50 पैसे के बराबर वैल्यू बनाएंगे। इसी तरीके से 10 पैसे के कितने कॉइन मिलकर 1 रुपए का कॉइन बनाएंगे। अगेन वी नो दैट देयर आर 100 पैसे इन 1 रुपी कॉइन, तो हमने 10 से 100 को डिवाइड किया, आंसर निकल कर आया 10, यानी कि 10 पैसे के 10 कॉइन अगर मिला दिए जाएं तो 1 रुपी कॉइन की वैल्यू बना देंगे। 20 पैसे कॉइन्स हैव द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, यानी 20 पैसे के कितने कॉइन 1 रुपी की वैल्यू बनाएंगे। 20 से डिवाइड किया हमने 100 को, कितनी बार डिवाइड किया, 5 टाइम्स, यानी कि 20 पैसे के 5 कॉइन कितने रुपए बना देंगे, 1 रुपी बना देंगे। इसके बाद है 25 पैसे कॉइन हैव द वैल्यू ऑफ 1 रुपी, अगेन 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 100 को डिवाइड किया हमने 25 से, आंसर आया 4, यानी 25 पैसे के 4 कॉइन मिलकर 1 रुपी कॉइन की वैल्यू बना देंगे। इस तरह से आपके ये सारे सॉल्व हो जाएंगे।